सर, मुख्यमंत्री आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 11 बजे, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, उसके ऊपर पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी लोग। अब तो सरकार के 10 साल हो गए, 10 नंबरी हो गई सरकार, 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबरी हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए पूरे देश में। मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, NHAI से बन रहे हैं, आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा, ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा? इसका जवाब क्या है? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे, उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिल रहा है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बड़ा बड़ा आयोजन किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुंचा है, कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया है? नदियाँ आपकी मर रही हैं, क्या है, नदियाँ आपकी मर रही हैं। नमामि गंगे का नाम पर आपने पैसा लिया, लेकिन वो पैसा कहाँ बहा दिया आपने? क्या जवाब है आपके पास? अगर बिजली सस्ती मिल जाए दिल्ली से तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करा रही है, उसी के आधार पर टिकट सर्वे करने जा रही है। अब सर्वे तो करना ही पड़ेगा और रिपोर्ट कार्ड भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो फेस नहीं कर सकते ना। आखिरकार ये रिपोर्ट कार्ड क्यों बना रहे हैं? इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। आप सर्वे क्यों करा रहे हो? क्योंकि आपको अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए सर्वे करा रहे हो आप। सर, एक सवाल और है, कल दिल्ली से वीडियो सामने आई है किस तरह से जो दिल्ली पुलिस ने वहाँ के जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा पीटा, उसके बाद उनको वहाँ से सीट के हटाया गया। देखिए, ये भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे, जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने? ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था, वोट मिल गया उसके बाद अपमानित करेंगे आप। सर, अभी जो जिस तरह से डिप्टी सीएम वोट डालने आए थे, ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ दिखे और डिप्टी सीएम का कहना उन्हीं की गाड़ी में बैठ के आए और उसी में गए, उनका कहना यह कि भारतीय जनता पार्टी की मित्र मंडली बहुत लंबी है और हमें इस बार सबसे ज्यादा वोट मिला। कम से कम समाजवादी पार्टी के एक फैसले से जो अपमानित होते फिर रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान मिला। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़े और दलितों की बात कर रही है तो उनका हक और सम्मान दे दे। केवल गाड़ी में बैठने से सम्मान क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिल जाएगी पिछड़ों को? क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाएगा? क्या आउटसोर्स खत्म हो जाएगा गाड़ी में कोई नेता बैठ जाए? क्या आप एक पिछड़े को गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे हो, क्या उससे लेटरल एंट्री खत्म हो जाएगी? ये सोचने की बात है। समाजवादी पार्टी सारण में दो दिन की